मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर चल रही हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन के बाद उन्हें लेटाने के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मरीजों के ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक अस्पताल में नहीं है। परिजन अपने मरीजों को गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। छतरपुर में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। नसबंदी ऑपरेशन के बाद बेड नहीं मिलने से मरीज महिलाओं को मजबूरी में ठंड में जमीन पर लेटना पड़ा। महिलाओं की इतनी दुर्दशा कि जैसे वो इंसान नहीं कोई जानवर हो। अस्पताल के ये हालात हैं कि महिला को ऑपरेशन के बाद स्ट्रेचर के बजाय परिजनों को हाथ में उठा कर ले जाना पड़ा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के बजाय सरकार के दावों की तरह अब खोखली नजर आ रही है। स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही हैं। हम अपनी भाभी जी को नसबंदी का ऑपरेशन करवाने आए हैं, जो कि उनको अभी इंजेक्शन भी लग गया है नशे का, तो वो अभी नशे में है और अभी कोई आया भी नहीं है, वहाँ कोई है भी नहीं। और यहाँ देखिए कोई पलंग की भी व्यवस्था नहीं है, ये जमीन में गद्दा बिछा के लिटा रहे हैं वो लोग, और बाकी व्यवस्था तो कुछ है नहीं। अब समस्या यही है कि हमारा मरीज जमीन पर लेटेगा और पलंग की व्यवस्था नहीं है। हमारी बहू यहाँ पर आए हैं और ना पलंग अलंग लेटे हैं, बच्चे परेशान हैं बाहर, वो अंदर भी इंजेक्शन लगे हैं और भी उनका ख़त्म हो भी वाला है उनका नशा। डॉक्टर साहब यहाँ आ नहीं रहे हैं, कब तक देख रहे हैं। आज ये बच्चा दोबारा हम अंदर लेके घुस हुआ है, पलंग तो नीचे बिछा है बिस्तर, पलंग अलंग कुछ नहीं है। यह तस्वीरें जिला अस्पताल की हैं, जहां महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन होने के बाद लेटने की जगह तक नहीं मिली, उन्हें ठंड में जमीन पर लेटाया जा रहा है। अव्यवस्था इस कदर है कि महिलाओं को लाने और वापसी में ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। साथ ही उनको ऑपरेशन के बाद बाहर लाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं दिया जा रहा, जिससे परिजनों को ही महिलाओं को अपने हाथों में उठाकर लाना पड़ रहा है। इस तरह जमीन में लेटने से महिलाओं को जहां दर्द और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनको इन्फेक्शन फैलने का डर भी बना हुआ है। इस मामले में जिम्मेदार डॉक्टर गोलमोल जवाब देते अपने जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं और लापरवाही करने पर जांच कराकर कार्यवाही की बात भी कर रहे हैं। ये कुछ जानकारी आपके चैनल के द्वारा भी प्राप्त हुई है कि मरीजों को जमीन पर लेटाया जा रहा है। वैसे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यहाँ गद्दे उपलब्ध हैं और जहाँ आप LTT का ऑपरेशन थिएटर है उसके पास में एक हाल है और वहाँ पर चद्दर और गद्दे दिए गए हैं कि गद्दे बिछा करके चद्दर बिछा करके उनमें जो हितग्राही हैं जिनकी LTT होती है उनको वहाँ लेटाया जाए और उसके पहले में जो विश्राम करना चाहते हैं उनको भी वहाँ पर लेटवाया जाए। 50-60 गद्दे पर्याप्त मात्रा में हैं और एक फेवर में एक बार में 30 केस करने के लिए प्रावधान है और जब वो चले जाएँ तो उसके अलावा फिर 30 केस कर सकते हैं दूसरा सर्जन आ करके। और अगर कोई जमीन में लेटा हुआ तो इसको हम लापरवाही मानते हुए उन कर्मचारियों के खिलाफ सक्षम अधिकारी को सूचना देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।